दोस्तों, कभी आपके मन में विचार आया है कि आप किसी संगठन से जुड़कर देश और समाज के लोगों के हित के लिए कुछ नया करें? यदि आया है तो आज हम भारत के एक ऐसे ही सबसे जागरूक संगठन की बात करने जा रहे हैं। यह संगठन है आर्य समाज। इतिहास के गर्भ में इस संगठन के द्वारा समाज के लिए किए कार्यों की हजारों गाथाएं मौजूद हैं, पर यह संगठन आज भी उतनी ही गति से समाज में अनेकों प्रगतिशील कार्य कर रहा है। अब यदि मन में फिर से यह सवाल आया हो कि हम इस संगठन से क्यों जुड़े, तो चलो पहले जानते हैं इस संगठन के बारे में कि हम आर्य समाज से क्यों जुड़े। दोस्तों, 18वीं सदी में महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन यानी आर्य समाज की भाषा में आज भी लाखों वर्ष की सत्य सनातन वैदिक धर्म की असली अनुगूंज सुनाई पड़ती है। आर्य समाज से जुड़े परिवारों के निकट ग्रह, नक्षत्र, मंगल, अमंगल और राशियों से जुड़े कथित दोष नहीं आते। आर्य समाज से जुड़े लोगों पर किसी कथित बाबाओं के ढकोसले तंत्र, मंत्र, वशीकरण, टोने टोटके काम नहीं करते। आर्य समाज से जुड़े लोगों को भूत प्रेत, डायन, पिशाच आदि के भय भी नहीं सताते। आर्य समाज से जुड़ते ही कुंडली के कथित मांगलिक जैसे दोष गायब हो जाते हैं। आर्य समाज से जुड़े लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, किसी ढोंगी, पाखंडी, बंगाली बाबाओं में नहीं। आर्य समाज पिंडदान, श्राद्ध तर्पण जैसे अंधविश्वासों से बचाता है तथा इनके असली महत्व को समझाता है। आर्य समाज बचाता है स्वयंभू कल की अवतार गुरु घंटाल, महादीश, महंत आदि द्वारा धर्म के नाम पर किए जाने वाले आर्थिक और मानसिक और शारीरिक शोषण से। आर्य समाज मूर्ति कला को तो प्रोत्साहित करता है, लेकिन मूर्तियों की पूजा को नहीं, क्योंकि इससे हमारे समाज का कोई आध्यात्मिक या सामाजिक लाभ नहीं होता। क्योंकि आर्य समाज के अनुसार ईश्वर दुनिया के कण कण में व्याप्त है, इसीलिए सृष्टि के कण कण में व्याप्त ईश्वर को केवल एक मूर्ति में सीमित करना ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के खिलाफ है। ईश्वर हमारे हृदय और स्थित आत्मा में वास करते हैं, इसीलिए भगवान की पूजा, प्रार्थना एवं उपासना के लिए मूर्ति अथवा मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। यानी पाखंड व कुरीतियों एवं गुरुडम व्यवस्था को समाप्त करने के आंदोलन का ही नाम आर्य समाज है। इसी कारण आर्य समाज में आकर युवाओं में अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के बारे में जागृति बढ़ती है। तथा देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा अपने आप पैदा हो जाता है। जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं पर अकेले करना संभव नहीं, तो वह आर्य समाज के साथ आकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। यह संगठन अकेले भारत में ही नहीं बल्कि देश से बाहर अन्य 36 देशों में भी वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का कार्य करता है, लोगों को सनातन धर्म और जागृति पैदा करने का कार्य करता है। यानी अगली पीढ़ी को अपनी गौरवपूर्ण सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर सौंपने की व्यवस्था करता है। आर्य समाज भारतीय समाज के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य की रूपरेखा का स्तंभ है, जिसे भी शुद्ध वैदिक स्वरूप में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और धर्म को आत्मसात करना हो। आइए आर्य समाज से जुड़ें तथा अन्य मित्रों, रिश्तेदारों और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी प्रेरित करें, तभी पुनः बन पाएगा हजारों वर्ष पुराना एक महान भारत और महान भारतीय समाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।